का दौरा चंबल नदी में छलांग लगाने की घटना सामने आई है। घटना सामरसा पुलिस चौकी के पास पुल की है, जहां प्रेमी युगल ने एक दूसरे का हाथ थाम कर मौत को गले लगाने के लिए चंबल नदी के पुल से छलांग लगा दी। लेकिन इस दौरान युवक नदी में डूब गया और युवती करीब 20 से 25 मिनट तक तैरती रही, जिसे किनारे पर मौजूद राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की बोट से सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है। आप भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से युवती नदी में तैर रही है और फिर बोट में मौजूद गोताखोर उसे पकड़कर बोट के सहारे बाहर निकाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मानपुर निवासी युवक नवल वेरवा और पास के ही गांव हीरापुर की युवती एक दूसरे को प्रेम करते थे। दोनों एक ही समाज के थे, लेकिन उनके घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने साथ मरने के लिए आज यह कदम उठाया है। घटना के 5 घंटे बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस घटना के बारे में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दोनों ने नदी में छलांग लगाई थी, युवती को बचा लिया गया है, लेकिन युवक का पता नहीं लग सका है, जिसकी तलाश की जा रही है। दोनों ने यह कदम क्यों उठाया है, इसकी जांच की जा रही है। कि जो डेड बॉडी मतलब उसको सकुशल बचा लिया गया, क्या मामला है सर और किस तरह की तलाश है? आरती पिता राम अवतार, उम्र लगभग 19 साल, हरिपुर गांव की है, और नवल पिता प्रहलाद लगभग उम्र 20 साल, मानपुर का लड़का है। दोनों लगभग 4 बजे पाली पुल पे गए थे और वहाँ से दोनों ने छलांग लगा ली थी, तो स्टीमर वालों ने लड़के आरती को तो बचा लिया है। अभी लड़के की बॉडी भी मिली नहीं है और उसके लिए गोताखोर यहाँ से भेजा गया है। अब लड़की से पूछताछ की जाएगी। वैसे तो प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला लगता है, जो भी मामला हो जांच पे पता चलेगा। ओके सर, थैंक यू, आपको कष्ट दिया। क्या सर वो